फिर पालक ने क्या काम किया, गत्ता लिया, गत्ता ही रोटी बनाई हूँ। गत्ता ही रोटी में पहले रोटी ले चुका था, गत्ता ही रोटी लेके फेंकी बंदर ने जट लपक ली, और जो देगी रोटी में छोड़ देगी गत्ता। अच्छा क्या सोच के पकड़ी रोटी, क्या सोच के छोड़ा गत्ता, समझ गए ना। जब उसे सत्य पता लगा बंदर को तो उसने छोड़ दिया। उसी तरह जीवन में जब सत्य बैठा दिमाग में बैठ जाता आदमी छोड़ देता, मकान तो छोड़ता नहीं लेकिन श्रद्धालु छोड़ जाए, बस सत्य आप बैठा ले तो उसके दिमाग में सत्य। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सत्य सत्य है तो जब बंदर भी समझता है कमाल तो ये बंदर भी तो समझता ये चीज गड़बड़ है, तो उसने छोड़ दी ना। पकड़ा क्या समझ करके रोटी, छोड़ा क्या समझ करके गत्ता। उसी तरह जीवन में जब हमारी समझ में आ जाता है तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। यदि हम समझा नहीं पाते, समझाने में गड़बड़ है तो आदमी नहीं छोड़ता। तो हम समझाएं, हम पढ़े, ऋषि जानते को पढ़ाए, हम संसार के कल्याण में हम लगे, स्वाध्याय करें, लेकिन तौर तरीके ठीक करें। यदि हमारे वो ठीक नहीं होंगे तो बात नहीं बना, वो ठीक होंगे तो बात बन जाती। तो जितना भी हमारे यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता उनसे सबसे कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने महर्षि दयानंद को समझ चुके हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी उतनी बड़ी कि हर समाज का प्रचार प्रसार बढ़े। क्यों? हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश और राष्ट्र बचा, और कोई तरीका है नहीं। तो हमारा परम दायित्व है कि हमारे समाज के काम को बढ़ाए। छोड़ दो दुनिया में कौन क्या कर रहा, कौन झगड़े कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पद प्रतिष्ठा कौन है, छोड़ो। लगन मैं इधर मध्य प्रदेश में गया, मैं एक पटेल साहब है, जमीन 300-400 बीघा। पटेल साहब सवेरे निकल जाते रात में आते, हर गांव में जाकर के हवन करना, गांव वहां सरपंच होते सरपंच के दस्तखत कराने, फिर इतने आदमी उपस्थित हुए, उन्हें कोई मतलब नहीं प्रतिनिधि सभा का क्या कर रही कौन क्या कर रहा, उन्हें अपना काम करना, रजिस्टर पूरा हमें दिखाया। देखो मैं वहां जाता, मेरी बड़ी श्रद्धालु, उनका घर बहुत बढ़िया है, उनकी बहुएं आई हाथ जोड़ कर, गुरु जी हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, कहते 400 बीघा जमीन है, और हमारे ससुर साहब सवेरे निकल जाते रात में आते, हम सेवा कब करें, पता नहीं कहाँ रोटी खाते, वो सारे दिन बाहर रहेगा रोटी खाएगा, घर पर रोटी नहीं खाती। और मुझे बड़ा तो बोलता कि नहीं तपस्या है, मैं एक दिन की सेवा भी नहीं कर पाता। मैंने पटेल साहब से कहा, पटेल साहब भोगों की भी सुन लो, गुरु जी सुनी है भोग, बेटा सही कह रहे सुनी है। मैंने कहा फिर केन की मार के हम बैठ गए नाएंगे, 3 दिन बैठे रहे, और 3 दिन के बाद फिर मैं दयानंद नहीं मानता, धक्के मार के फिर निकाल देगा, चले दयानंद बैठने नहीं देता। 3 दिन के बाद कहते अंदर धिक्कार आई, दयानंद धिक्कार आया, सत्यार्थ प्रकाश जैसा ज्ञान तुझे हम दे दिया, और तू जानकार होकर के बैठा, और दुनिया अंधेरे में भटक रही है तेरे जैसे कर कहते, फिर पूरी में निकल पड़ा हूं, अब मैं बैठा नहीं जाता, चल बहू कुछ कहते लड़का के इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया, दुनिया अंधकार में भटक रही है और हम उस ज्ञान को दबा करके बैठे, हम विद्या चोर कौन है, कह रहे हम विद्या चोर हो जाएंगे, हमें विद्या चोर नहीं बनना, हमें यजी जीवन जीना, हम जो करें बाहर प्रचार करें हम बैठ नहीं सकते, ये भावना हम भी अपने अंदर रखें, हम भी उस मिशन को रखें। रिटायर हो गए घर पर क्या कर रहे बैठे, करो बाहर पर चले जाओ, थैला टांगे निकलो, घर में बैठे क्या कर रहे, मिशन कौन कहां देखता है। जिंदगी कितने दिन की है बताओ, नाथुराम शंकर शर्मा लिखा है, बुढ़ापा ना तो वाणी ला रहा है, कमजोरी ला रहा है बुढ़ापा, बुढ़ापा नातवानी ला रहा है, जमाना जिंदगी का जा रहा है, किया और किया है और आगे क्या करेगा, अंत मत दौड़ा आ रहा, जितना समय है जितना अंधकार में से आदमी फेंक पाओ, जरूरी नहीं समाज बहुत कहते समाज बिगड़ जाए तो कोई सुनता ही नहीं, आचार्य क्या करें, हमारे गुरु जी कहा करते तो कहता आचार्य क्या करें समाज पूरा बिगड़ा कहाँ क्या करें, हमारे गुरु जी कहा करते कि तुम्हारी ठेकेदारी सर्विस थोड़ी, बिटौरा में आग लग गई जितने कंडा खींचे उन्हें खींच लो, बच्चों प्रवेश बच्चों प्रवेश में अब बच्चे दूर दूर से आए
कैसे कैसे भेजे परमात्मा, ये दो बच्चे बैठे हैं बाबा जी, बहुत बच्चे हैं। अब आए, पहले तो बच्चा सौभाग्यशाली होता जो रुक जाए, रुकते ही ना। अब एक बच्चा मध्य प्रदेश का आया राज, अच्छा अब बच्चे जो बच्चे हैं कमजोर बहुत है, बुद्धि से कमजोर नहीं है, कमजोर कर दिए तो बच्चे 25-30 बच्चे रही और मैं राज तो मैं जल्दी पहुंच गया, राज अकेला हूँ बैठा, पैर छुए छोटा बहुत छोटा वाला, क्योंकि राजा में इसे समझ नहीं आता, तो इतना कमजोर है मैं बोलता हूँ तो सब गलती आ, एक रुपये तेरा सही नहीं था, सब गलती आ जाती। तो बड़ी सरलता से कह रहा है, अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, दो साल हो गए तुझे लॉकडाउन, मारा कह रहा हूँ दो साल तो हो गए लॉकडाउन और घर वालों ने बिल्कुल घर में पढ़ाई नहीं, स्कूल रहे बंद है तीसरी का मतलब, और यहाँ आकर सीधे छठी बैठा दी, अब बताओ राज कहाँ सफरी कर ले वो कितनी बढ़िया तेज समझा रहा छोटा सवाल है, अब बताओ गुरु जी आप दो साल तो गए लॉकडाउन और घर वाले पढ़ाते नहीं और स्कूल चले बंद और यहाँ ला के दुर्गल में डाल दिया, यहाँ कर दिए छठी में, अब राज कहाँ सही कर ले वो सब। मैंने कहा बालक देखना सही है ना, इतनी दूर से मैंने कहा बड़े बड़े ब्रह्मचारी होने सब नियुक्त हुई है, मैंने कहा मैं आता हूँ या नहीं आता, हर बच्चे के जुम्मे 5 बच्चे रहे, आप इनको पढ़ाइए महीने दो महीने की हिंदी बढ़िया होगी, बुद्धि है ना, जब इतना बालक समझदार समझदार तो है ही, जब इतना समझदार समझदार तो ही भाई घर की को नहीं कहा पढ़ रहा है अपना हेतु बता रहा, मैं कमजोर घर की नहीं कह रहा। तो बच्चे ऐसे परमात्मा भी तो मैं सोचता हूँ लोग कहते अंग्रेजी का माहौल फलाना लो बच्चे देते नहीं, अरे जो आए गए अंग्रेजी में कहा लो भी बहुत है। तो ऐसी स्थिति में हम समय थे निकाले, कौन कितना कहाँ सुनता है इससे मतलब नहीं है, हमारा काम है ईश्वर के आदेश का पालन करना, उसके आदेश के बाद देखो आर्य का मतलब ही क्या है, आचार्य पांडे जी ने सूत्र लिखा आर्य स्वामी वैसे है ना, आर्य स्वामी वैसे स्वामी जो होता है उसे आर्य कहते हैं कहते आर्य, और तत्सेदम स्वामी का ही हो इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है बच्चे जानते तद्धित का, उससे बन जाता है आर्य, अर्थात जो स्वामी का है ईश्वर का है वो आर्य है, जो ईश्वर का नहीं वो आर्य का है, जो स्वामी को आर्य कहते हैं स्वामी को और स्वामी को समर्पित हो क्या है स्वामी का हो जाए वो आर्य, हम ईश्वर के हैं कोई किसी का सैनिक, हम तो परमात्मा के सैनिक हैं, परमात्मा के राज्य की स्थापना के लिए हम अंदर और बाहर लगातार लड़ते रहते, अंदर और बाहर जब तक जीवन है तब तक लड़ेंगे, आर्य नाम ही उसी का, तो इस संघर्ष में हम लगातार लगे ये कहीं चारों ओर संघर्ष कर रहे, संगठन के स्तर पर भी कर रहे, गुरुकुल के स्तर पर भी कर रहे, आर्थिक स्तर पर भी कर रहे, हम चारों ओर लगे, कभी हम हताश निराश नहीं होते, हमारा काम है लड़ना और जब तक है जीवन है तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक अविद्या का अंधकार है तब तक दयानंद के सैनिकों की लड़ाई चढ़नी चाहिए, जब तक टूटती सांस को बल मिले, ध्यान देना सब लोग, टूटती सांस को बल मिले शक्ति संबल बना जिंदगी, टूटती सांस को बल मिले शक्ति संबल बना जिंदगी, आगे है हर पथ के जो चले जा रहे लू लपट में चले जा रहे, हर पथ के जो चले जा रहे लू लपट में जले जा रहे, प्रीति सांत्वन बना जिंदगी, प्रीति की छाया बना जिंदगी, आज भटके हुए हैं चरण खोजते फिर रहे मुक्त मंत्र, आज अयोध्या में जा रहे और हरिद्वार में जा रहे, वहां धक्के खा रहे, मक्का में जा रहे, मंदिर में जा रहे, आज भटके हुए हैं चरण खोजते फिर रहे मुक्ति मन, साधना को करामत भ्रमण, साधना को करामत भ्रमण, लोक मंगल बना जिंदगी, जिंदगी लोक मंगल के लिए बना देना, लोक मंगल बना जिंदगी, शक्ति संबल बना जिंदगी, जब तक हमारा जीवन ऐसा नहीं बनेगा निश्चित अंधकार है,
अंधकार है तो हम प्रकाश के रूप में आएंगे, हम प्रकाश करेंगे आकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन की एक एक सांस के आय किरण बन करके अपने जीवन को सफल, जीवन सफल हो गया। आशा और विश्वास है जितने भी कार्यकर्ता हमारे उपस्थित हुए हैं उनसे हमारा यही कहना है कि शुद्धताओं को एक तरफ पटक, जो क्षुद्र लोग हैं उन्हें एक तरफ, संगठन के खिलाफ बोलते हैं संगठन से लेते कोई मतलब नहीं भाई, कहीं पर भी संगठन हो हम आपको मान्यता देना नहीं, दयानंद ने मान्यता दे रखी है और करेगा उसको, तो हम सब एक जुट होकर के लगेंगे, संगठन का काम करेंगे, आसपास काम करेंगे, तो जहाँ हमारा अपना जीवन सफल होगा वहाँ पर देश राष्ट्र का भी काम होगा और पता नहीं कितने मनुष्य सफल हो जाए। इन भावनाओं के साथ में माननीय दयाशंकर जी उनके परिवार ने इतना सुंदर मन रखा उसके लिए पूरे परिवार का और विशेष रूप से दयाशंकर जी का धन्यवाद। और हम भी इन्होंने फोन किया चाचा जी आपको आना है, इनके फोन के साथ में हम जाने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ अच्छे अच्छे काम आदमी करें और हम वहाँ चले जाए ज्यादा सौभाग्य क्या भाई, जीवन अच्छे कामों में लगे यार, रोज लगे रोज हमने करें हम तो रोज आने तैयार है। लेकिन धर्म संकट हमारे सामने ये था कि कई ने कहा आचार्य जी आओ, हमने मना कर दिया, लोग मना कर रहे हैं, दयाशंकर जी के पास जाएंगे ये लोग कहेंगे भाग चले गए हमारे पास नहीं। मैंने इनसे कहा कि अभी रुके जाओ थोड़ी बहुत देर, ये बोला रुके नहीं हमने निश्चित कर लिया, निश्चित कर लिया चलो हम आ रहे। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा से पूरे परिवार ने किया है और ऐसा देश सब बनाया, इनमें देखा इनके रिश्तेदार बहने सब इकट्ठी है। अच्छा सब एक वर्ष में यहाँ इकट्ठे होते रहोगे है ना, तो दैवीय संस्कार आएंगे नहीं आएंगे, राक्षी संस्कार दूर होंगे कि नहीं होंगे, तो परिवार बचेगी घर बचेगा। प्रयास या करा किया करो, परमात्मा ने समर्थ किया तो ऐसे कार्यक्रम करवाओ, और इतने समर्थ नहीं हो तो जहां ऐसे कार्यक्रम है वहां जाओ, वहां जाओ जाकर मातृसभा पर जाओ, उनका उत्साह बढ़ जाएगा जाकर। तो आप सब दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी बहुत धन्यवाद है और पूरे परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं। कहाँ गए यजमान लोग बुला, पूरे परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, जो भी लोग आए या गुरुकुल के लिए जिन लोगों ने अपना सहयोग मुझे दिया है उन सब दानदाताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद है। आ जाओ लेकिन हमेशा ये जानो परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए आप भले ही आर्य समाज से जुड़े, आपके नाना आर्य समाज रहे, आपके मामा है, आपका परिवार आर्य समाज, सब आर्य समाज श्री ज्ञान का वो भी मिल गया, लेकिन चलता आदमी कब सफलता कब मिलती, सफलता हमेशा तब मिलती है सुन लो पढ़ लो बात वही रहती जब तक व्रत नहीं लिया जाता। क्या लिया जाता व्रत, व्रति यार या व्रति वर्षी व्रत लो, व्रत लेना क्या है मरो भूमि को जोतना। अच्छा पंजर में बीज फेंक दो होगेगा पक्षी चल जाएगा खा जाएंगे सूख जाएगा। अच्छा जहाँ पर बंजर ना हो और जुती हुई भूमि हो तो बीज भी उगेगा और जितनी वर्षा होगी, अच्छा बंजर वर्षा हो तो पानी बह जाता है, अगर जुते खेत में सब सूख जाता है। उसी तरह से जो व्रति लोग हैं जितने उपदेश जितनी विद्या है सब उनके अंदर सूख जाते सब सूख लेते, और जो व्रत नहीं रखते वे तो बंजर आए कितनी वर्षा कर दे सब वर्षा पै जाता है, व्रति होते उनके अंदर सब कुछ जाता है जितना दिया सब आ जाता सब आ जाता। तो ऐसे अपने जीवन को प्रति जीवन ठीक ना उठना बैठना संध्या करना ये करना हमारा आत्मचिंतन करना हमारा रोज चलना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली हमारी संतान है गुरुराज समाज के लिए वरदान रूप में सिद्ध भावनाओं के साथ में हाथ जोड़ करके बैठो संकल्प लेंगे ठीक मन में, हम क्या क्या संकल्प लेंगे व्रत लेंगे हम संध्या करेंगे ये दैवीय तरंगों में रहेंगे सारा हम अपना चिंतन बदलेंगे यही जुड़ी हुई चीज समझाएंगे वो आप लोगों के लिए बोलो ओम सम श्रुतेन गवे महि माँ श्रुतेन विराजसि। हे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं सुने हुए उपदेश के अनुसार अपने जीवन में आचरण कर सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो
कि मैं सुने हुए उपदेश के विपरीत आचरण कभी ना, ठीक है ना। ये पवित्र संकल्प आप सबने लिया है और उसको निश्चित रूप से निभाना। अब जो जितने भी लोग आए हैं उपस्थित हुए हैं वो इन सब यजमानों को भावनाएं रखेंगे। प्रभु ने शक्ति व्यक्ति प्रदान के भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। आप सब आए, आपकी भावना होगी तो भावित करेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे, आप सब बोलिए प्रभु सत्या संतो यजमाना नाम कामा, ओम सफला संतो यजमाना नाम कामा, ओम पूर्णा संतो यजमाना नाम कामा, ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु, ओम स्वस्तिनाद्रो वृद्धस्त्रवा स्वस्तिना पुरुषा विश्वभेदा स्वस्तिनस्ताच्छो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम।